मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं और अपने बड़े नेताओं के मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब आप क्या समझिए, आपका संकेत मिल चुका है चुनाव लड़ने के लिए। मेरे साथ सबकी सहानुभूति है, इसलिए कि मैंने बिना किसी के मर्जी के ये नहीं कर सकता। क्या लगता है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रवक्ता हूं और एकीकृत जनता दल के समय से अभी राष्ट्रीय जनता दल में ही हूं, तो और सौभाग्यवश मैं जिस पार्टी में हूं उस पार्टी की सरकार बनी है, तो मैं सिवान के लोगों के विकास के लिए अगर अपने बड़े नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरा यह विश्वास है कि वो निश्चित रूप से इसको मानेंगे और सिवान का विकास होगा निश्चित रूप से। राजद गवर्नमेंट में कृष्णा देवी चेयरमैन थी, एक रुपए का करप्शन का उन पर चार्ज नहीं है, एक रुपए का। उसके बाद जितने चेयरमैन आए यहाँ पर उन्होंने जम करके लूटा है नगर परिषद को। सिवान में जो भी आप डेवलपमेंट आप देख रहे हैं पहले का, वो राजद की गवर्नमेंट में था। इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम का जीर्णोद्धार, सभी कॉलेजेज का, A1 का बिल्डिंग, ये राजद गवर्नमेंट का देन है। और उसके बाद की जो भी सरकारें बनी उनमें सिवान के विकास का कोई काम नहीं हुआ। राजेंद्र पार्क भी जो देख रहे हैं आप, वो राजद गवर्नमेंट का ही देन है। तो जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ ऐसे प्रत्याशी इस मैदान चुनाव मैदान में उतरेंगे जिन पर पहले से घोटाले का केस है, और वो नगर परिषद में आग लगा देना, साक्ष्य जल के नष्ट हो जाए, तो इस तरह का काम लोगों ने किया है और फिर चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके और सारे जितने भी नाली का जल है, पानी है, वो सब वाटर ट्रीटमेंट से शुद्ध करके और फिर दाहा नदी में प्रवाहित किया है। कीचड़ जो नगर परिषद में फैला हुआ है उसकी साफ सफाई हमारी प्राथमिकता होगी। सिवान नगर परिषद सभापति का चुनाव अब दिलचस्प होते दिख रहा है। जैसे जैसे नामांकन की प्रक्रिया पास आ रही है, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। वहीं राजद के मीडिया प्रभारी उमेश प्रसाद ने अपनी पत्नी किरण देवी को सिवान शहर के चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो सुनिए राजद के मीडिया प्रभारी उमेश प्रसाद ने क्या कुछ कहा और उनकी पत्नी किरण देवी ने क्या कुछ कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि ये सिवान नगर परिषद क्षेत्र जो है सभापति का अति पिछड़ा आरक्षित है और मैं भी अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ और इस आरक्षण का लाभ मुझे मिल रहा है, जिससे मैं मेरी पत्नी इस नगर परिषद के चुनाव में नगर सभापति की भावी प्रत्याशी हैं। मेरा नाम, पत्नी का नाम किरण देवी है। क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में आप लोग? इस चुनाव में मुख्य मुद्दा यही रहेगा, स्वच्छ सिवान, जो कीचड़ पूरे शहर में जमा हुआ है और जो कीचड़ भ्रष्टाचार रूपी कीचड़ जो नगर परिषद में फैला हुआ है उसकी साफ सफाई हमारी प्राथमिकता होगी। नगर परिषद क्षेत्र में जो जल जमाव है सबसे पहले उसकी निकासी की व्यवस्था होगी। यहाँ पहले सड़क बन जाता है, नाला का कोई मतलब ये सिस्टम नहीं है कि जल की निकासी कैसे हो। यहाँ
नगर परिषद चुनाव जीतने पर यह प्रयास रहेगा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके और सारे जितने भी नाली का जल है, पानी है, वो सब वाटर ट्रीटमेंट से शुद्ध करके और फिर दाहा नदी में प्रवाहित किया जाए। अभी जो सीधे तौर पर गंदा पानी जा रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जरूर रहना चाहिए, इसलिए कि सीवान की ये जीवनदायिनी है नदी और ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ वैसे प्रत्याशी इस मैदान चुनाव मैदान में उतरेंगे जिन पर पहले से घोटाले का केस है और वो बेल पर हैं। तीन प्रत्याशी तो इसी तरह से हैं, बेल पर हैं। अब आप देखिएगा, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, ये उचित नहीं रहेगा कि पब्लिक तो सिवान के सब जानती है किसने घोटाला किया है, किस पर आरोप है। अब डस्टबिन घोटाला, लाइट घोटाला, नगर परिषद में आग लगा देना, साक्ष्य जल के नष्ट हो जाए, तो इस तरह का काम लोगों ने किया है और फिर चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं। नगर परिषद को भ्रष्टाचारियों का अड्डा कहा जाता है, जितने भी प्रत्याशी आते हैं वो दावे करते हैं लेकिन आने के बाद भ्रष्टाचार करते हैं, आपके जनता क्यों विश्वास करे? मुझ पर जनता इसलिए विश्वास करे कि मैं समाज सेवी होने के साथ साथ एक व्यवसायी भी हूँ और मेरे बच्चों के भरण पोषण के लिए उस व्यवसाय से उतना आ जाता है जिससे हम लोगों का काम चल जाता है। मैं राजनीतिक दल में रह करके और जन सेवा का काम मैंने किया है शुरू से अभी तक और आगे भी करता रहूँगा, तो राजनीति को मैंने जन सेवा का माध्यम माना है। किसी एनजीओ में रह कर जन सेवा मैं करता तो लोग ये कहते कि एनजीओ चला रहा है लूटने के लिए, लेकिन राजनीति में इस तरह की बात नहीं है। मैंने हमेशा लोगों के बीच रहा हूँ और लोगों का सेवा किया। कुछ नए वार्ड जुड़े हैं, उनके लिए क्या कुछ विशेष करेंगे? हाँ, कुछ नए वार्ड जो जुड़े हैं उन पर जो नागरिक सुविधा शहर के लोगों को मिलती है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी और नगर परिषद टैक्स लेता है तो एक जो मिनिमम दर होगा, सबसे निचला दर, उस दर के हिसाब से उनसे टैक्स लिया जाए। अभी नगर परिषद कौन सुविधा नागरिकों को प्रोवाइड करवा रहा है? क्या अब तक नगर परिषद किस आपकी सुविधा की बात कर रहे हैं जो नगर परिषद के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच रही है? नगर परिषद का जो होना चाहिए सुविधा, वो सुविधा उनको भी मिलना चाहिए। नगर परिषद की सुविधा मैं बता दे रहा हूँ, अच्छी सड़क, नाले के पानी का निकासी, रोज साफ सफाई, जल जमाव से मुक्ति, ये नगर परिषद का कर्तव्य है। नगर परिषद का ये दायित्व है कि ये होना चाहिए, इसलिए कि टैक्स पेयर को ये चीज़ मिलनी चाहिए जो टैक्स देता है। ये बात तो सब लोग कहते हैं कि सड़क नाला रोड नाली बनवा देंगे जी, और विकास के बारे में नहीं सोचते हैं सिवान में? और विकास बहुत तरह का विकास है ना, यहाँ पार्क है, बाहर से लोग आए तो आपको अच्छी पार्क नहीं है और लोग सिर्फ वादा करते हैं और 15 साल से वादा हो रहा है, एक भी पार्क नहीं बना। कैसे विश्वास करेंगे आप जीतेंगे तो काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे? हाँ, हम जीतेंगे तो काम होगा, इसलिए काम होगा कि अभी सिवान में जो भी आप डेवलपमेंट आप देख रहे हैं पहले का, वो राजद की गवर्नमेंट में था। इंडोर स्टेडियम, राजेंद्र स्टेडियम का जीर्णोद्धार, सभी कॉलेजेज का, A1 का बिल्डिंग, ये राजद गवर्नमेंट का देन है। और उसके बाद की जो भी सरकारें बनी उनमें सिवान के विकास का कोई काम नहीं हुआ। राजेंद्र पार्क भी जो देख रहे हैं आप, वो राजद गवर्नमेंट का ही देन है। तो ये चुनाव जो है पार्टी लेवल पर नहीं हो रहा है। सर, आप आरजेडी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी, और क्या ये माना जाए कि आप बीजेपी की तरफ से आपके नेता है, आपको सपोर्ट करेंगे और इसी क्या स्थिति पर? हालांकि दलगत राजनीति नहीं, दलगत राजनीति नहीं होती है। अब ये मेरा नागरिक अधिकार है चुनाव लड़ना और मैं जिस श्रेणी से आता हूँ।
तो वो तो मेरा नागरिक अधिकार हो गया। मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रवक्ता हूँ और एकीकृत जनता दल के समय से अभी तक, अभी राष्ट्रीय जनता दल में ही हूँ। तो और सौभाग्यवश मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी की सरकार बनी है, तो मैं सिवान के लोगों के विकास के लिए अगर अपने बड़े नेताओं से रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरा यह विश्वास है कि वो निश्चित रूप से इसको मानेंगे और सिवान का विकास होगा। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और अपने बड़े नेताओं के मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब आप समझिए, आपका संकेत मिल चुका है चुनाव लड़ने के लिए। मेरे साथ सबकी सहानुभूति है, इसलिए कि मैंने बिना किसी के मर्जी के ये नहीं कर सकता। क्या लगता है राजद के सिपाही जो है वो भ्रष्टाचार को खत्म करेगा और क्षेत्र में बड़ा विकास करेगा? निश्चित रूप से, राजद गवर्नमेंट में कृष्णा देवी चेयरमैन थी, एक रुपए का करप्शन का उन पर चार्ज नहीं है, एक रुपए का। उसके बाद जितने चेयरमैन आए यहाँ पर उन्होंने जम करके लूटा है नगर परिषद को। ठीक है, आपने लूट की बात की सर, पिछले 10 वर्षों में लगभग हुआ है। जी जी, एक नागरिक के तौर पर, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर आपने इस घोटाले को रोकने का अपने तरफ से भरसक प्रयास किए हैं क्या? इस घोटाले को आप रोक कैसे पाएंगे? घोटाला होने के बाद करेंगे। इसके लिए निगरानी की टीम आई हुई है, सीमान में कई बार चेक की है और लोगों पर मुकदमा हुआ है, लोग बेल पर हैं। सीवान की जनता से क्या अपील करेंगे? सीवान की जनता से अपील करेंगे कि प्रत्याशियों को देखे परखे समझे और दागी प्रत्याशियों को अपना वोट नहीं दे। मैं अपनी पत्नी के बारे में कहूंगा कि वो किसी तरह का चार्ज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता के भरोसे पर अगर आप खड़े नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे वैसे? जनता के पास फिर मौका आएगा, लात मार के उतार देगी। धन बल का प्रभाव बढ़ा है इस चुनाव पे, इसको लेकर आप कैसे इस चुनाव में? धन बल का प्रभाव मतलब कुछ यहाँ पर ज़्यादा हुआ है सिवान में, उससे धन बल से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जनता का विश्वास चाहिए और जनता के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तो चुनाव में मेरी जीत निश्चित है। मैं विकास करने की कोशिश करूंगी और हमारे पति हमारे साथ हैं, वो पहले से जनता की सेवा किए हैं, तो मैं उनके साथ मिलके आगे बढ़ना चाहती हूँ। सिवान की जनता से क्या अपील करेंगे? सिवान से की जनता से हमें यही अपील है कि हमें आशीर्वाद दें, आगे बढ़ने की मौका दें।